जैन बच्चों कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, फटाफट सभी लोग आ जाएं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तेजस बैच, जिसमें हम आपके ला रहे हैं रीजनिंग फ्राइडे और सैटरडे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। और हम लोग का जो पहला चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है बच्चों, ये नॉन वर्बल सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप प्रलय बैच तो शाम को देख ही रहे हैं जहाँ पर हम वर्बल की बात कर रहे हैं। तो तेजस की बैच में हमने जो स्टार्टिंग की है नॉन वर्बल से की है। नॉन वर्बल रीजनिंग आप सभी को पता है, आपके वाई ग्रुप के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज है। बिल्कुल भी हमें इसको नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो अभी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ, आशुतोष, विकास, आदित्य, गोलू, आकांक्षा चतुर्वेदी, सभी बच्चों को जय हिंद। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम लोग तेजस बैच में आज से वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग की क्लास, जहां पर आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को समझने वाले हैं और अपने इस अपकमिंग एग्जाम में बेहतर करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और हम सबसे पहले आज जानेंगे एक्चुअली में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं इस तेजस बैच के माध्यम से, हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे। और कोई भी क्वेरी हो बच्चों, तो आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके मैसेज को पर्सनल देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे नॉन वर्बल के जो हम सभी को पढ़ना है। नॉन वर्बल, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्बल में हम लोग भाषिक यानी लैंग्वेज की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, वहीं पर नॉन वर्बल यानी आभाषिक, यहाँ पर हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की जो क्वेश्चंस हमारे फिगर के ऊपर होते हैं। तो आज यहाँ पर ये सारे चैप्टर जो हम लोग डे बाई डे बात करने वाले हैं आप सभी के सामने, यहाँ पर लिखा है आशुतोष सिंह, जय हिंद बच्चा, गोलू, नलिनी एंड बालाजी, सभी बच्चों को जय हिंद। प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग का फिगरल सीरीज, जिसे हम लोग कहते हैं आकृति श्रृंखला, वहीं पर दूसरा चैप्टर है फिगरल एनालॉगी, सदृश्यता आकृति। तीसरे चैप्टर की बात करें फिगरल क्लासिफिकेशन, आकृति वर्गीकरण। चौथा है बच्चों आकृति पूर्ति, कागज मोड़ना, काटना, आकृति दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, और यहाँ पर सन्निहित आकृतियाँ हैं, आकृतियों का समूहीकरण, आकृतियों का निर्माण, आकृतियों की गणना, फिगर काउंटिंग। ये सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं जो नॉन वर्बल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इन सारे चैप्टरों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो ये डन है, जो आपके एग्जाम में 5 से 6 प्रश्न आएंगे उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को हम लोग बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, इसलिए हमारा फोकस ऑप्शन पे भी होगा। जैसा कि आज सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे बच्चों, तो हम आकृति श्रृंखला की बात करेंगे। अब अगर फिगरल सीरीज की बात की जाए तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली फिगरल सीरीज में बच्चों होता क्या है, सर यहाँ बोर्ड अगर लेना है हमें, तो बच्चों अगर हम फिगरल सीरीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ सकते हैं फिगरल सीरीज में होता क्या है। जैसे आप सभी को पता है जब हम फिगरल सीरीज की बात करते हैं बच्चों, तो आपने वर्बल में भी पढ़ा था नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कई तरह के आपने सीरीज के क्वेश्चंस वहाँ भी देखे थे। तो वहाँ पर क्वेश्चंस हमारे लेटर्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर बेस्ड थे, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस है वो फिगर के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग किस तरीके से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जब आप वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो हो सकता था सीरीज आपकी लाइन से चल रही हो, 2 के बाद 4 लिखा, 6 लिखा 8 लिखा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आप तुरंत बता पाते थे कि सर अगला नंबर हमारा यही होगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर से हमारी लाइन से सीरीज चल रही थी, 2+2+2+2+ करके आप बता पाते थे। लेकिन कभी कभी आपने सीरीज ऐसा भी देखा होगा जहाँ पर सीरीज आपकी अल्टरनेट चल रही थी, 2 से 6 हुआ 6 से नेक्स्ट नंबर आया, इस तरीके से। तो यहाँ सेम वर्क यहाँ भी होने वाला है, यहाँ पर भी हो सकता है हमारी सीरीज लाइन से चल रही हो या अल्टरनेट चल रही हो, अल्टरनेट भी हमारी सीरीज चल सकती है और लाइन से भी चल सकती है। जो भी आपको फिगर्स दिए जा रहे हो सकता है पहले में आपका 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा हो, दूसरे में 45 का, फिर 90 डिग्री का, फिर 45 का, तो आप ऐसे भी अल्टरनेट बना पाएंगे कि पहले में 90 डिग्री का हुआ, तीसरे में 90 डिग्री का हुआ, तो पांचवें में भी 90 डिग्री का होगा, दूसरे में 45 हुआ, चौथे में 45 होगा, तो छठवें भी 45 डिग्री को हम रोटेट करेंगे जिस तरीके से वहाँ हमारा पैटर्न बनेगा। यहाँ पर हर्ष मेहता है सर, क्लास 10 यक्ष वाई ग्रुप वालों के लिए, यस यस, ये क्लास आपके यक्ष और वाई ग्रुप के लिए है, जो बच्चे रागा सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे वाई ग्रुप में उन सभी बच्चों के लिए है। तो आप सभी लोगों के लिए है यह क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और जैसा कि हमने कहा फिगरल सीरीज पहला चैप्टर, तो प्रॉपरली हमें यहाँ पर यही वर्क करना होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो आपका फिगरल सीरीज का क्वेश्चन होता है, आपका पहला फिगर होता है वही फिगर आपका पांचवा दे देता है, जो आपका पहला फिगर बना के दे दिया वही पांचवा फिगर दे दिया, तो दूसरा फिगर आपका क्या हो जाएगा,
छठा फिगर हो जाएगा, यानी दूसरे का जो आंसर होगा, जो आपका दूसरा फिगर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको पांच फिगर बना के दिया गया, पांच फिगर बना के दिया गया और एक सीरीज चलाई जा रही है, एक प्रॉपर सीरीज चलाई जा रही है। जो आपका पहला फिगर बना था वही फिगर पांचवें स्थान पे फिर से जाके बन गया। तो बच्चा अगर उस सीरीज के पैटर्न चल रहा है तो इसका मतलब पांच चार फिगरों के बाद जो पांचवी फिगर आ रही है वो पहला ही फिगर आ गया, तो जो छठा फिगर आएगा दूसरा वाला फिगर आ जाएगा, जो छठा वाला फिगर आएगा वो आपका दूसरा वाला फिगर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे का छठा हो जाएगा, तीसरे का सातवां हो जाएगा। इस तरीके से भी हम कुछ पैटर्न को फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को सेकंड में कर पाएंगे, बिल्कुल भी वहां पर समय नहीं लगेगा। सर मेरा वाई ग्रुप का है एग्जाम, बिल्कुल बच्चा जिनका भी वाई ग्रुप का एग्जाम है, जो भी बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए यह क्लास है। इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके आप सभी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा इनके क्वेश्चनों का अभ्यास किया जाएगा। ए नॉन वर्बल है क्योंकि आप सभी को पता है इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है कि चीज़ों को आपको बताया जाए, जो ट्रिक्स हैं क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ बन जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में समझेंगे। बाकी वर्बल की क्लासेस भी हमारी प्रलय बैच में चल रही हैं, तो तेजस में हमने सबसे पहले नॉन वर्बल उठाया। इसका रीज़न ये भी था बच्चों क्योंकि वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में नॉन वर्बल के 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हमने नॉन वर्बल ही उठाया कि चलिए ठीक है हम नॉन वर्बल यहाँ पहले कवर करेंगे, प्रलय के माध्यम से हम वर्बल भी कवर कर रहे हैं। फिर बच्चों इसी क्लास में आपको वर्बल भी पढ़ने को मिलेगा इसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों यहाँ से आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आएगा और आप सभी लोग को आंसर करना होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, लेकिन पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसे समझेंगे। मेरा 15 ऑफ 15 रीजनिंग में चाहिए सर। यस आशुतोष यही होना ही चाहिए कि आपका पूरे में पूरा नंबर आ जाए, क्योंकि स्कोरिंग मार्क होता है, आप सभी को यहां पूरे में पूरा लाना है। उसका रीजन ये है बच्चा, अगर आप पूरे में पूरा नंबर ला लेंगे तो आपके जो बाकी सेक्शन है जैसे मान लीजिए जीएस है या और कोई भी सेक्शन है तो वहाँ 100% बच्चे सेव नहीं रहते हैं। आप पढ़े रहते हैं लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन अर्थमेटिक और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जहाँ आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ इतने क्वेश्चंस में हम इतना कर लेंगे अगर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो। तो आप रीजनिंग में 15 में 15 लाएंगे। बस इतनी सी बात है कि क्वेश्चनों को करते वक्त जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करिएगा, रिलैक्स होकर क्वेश्चन करिएगा, टाइम कम होता है, अभ्यास पहले किए रहेंगे तो 101% है डन बच्चों कि अपने एग्जाम ही बेहतर करेंगे, अपने एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे, ये बात डन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला फिगर है, दूसरे आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आपका ये पैटर्न सीधा 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 इसी तरीके से चल रहा है या और भी कोई पैटर्न यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक फिगर आप देखिए, जैसे आप ये पहला फिगर देख रहे हैं, जैसे बच्चों आप ये पहला फिगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए वाला ट्रायंगल का शेप है और यहाँ पर सर्कल का शेप है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लिए, अगले फिगर में इंटरचेंज कर लिए, यानी ए इसके स्थान पे चला गया और ए इसके स्थान पे आ गया। तो इस सीरीज में क्या चल रहा है, ये दोनों नंबर आपस में इंटरचेंज कर लिए, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया, नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया। और बच्चों जो हमारा बीच में एल बना है हम कह सकते हैं ए इसका वाटर इमेज बन गया, इसका क्या बन गया, वाटर इमेज। जैसे अगर आप इसे वाटर में देखोगे, एल को वाटर में देखोगे बच्चों, तो इसका वाटर इमेज क्या हो जाएगा, इसका वाटर इमेज जस्ट ऐसे हो जाएगा। तो अगले में ए क्या बन गया, इसका वाटर इमेज बन गया। फिर से आप देखिए जो तीसरा फिगर है, पहला और ए मतलब सर्कल और ट्रायंगल जो है बच्चों फिर से आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी ए ट्रायंगल हमारा यहाँ आ गया, सर्कल यहाँ आ गया। फिर से अगर आप अगले फिगर में देखोगे तो सर्कल और ट्रायंगल अगेन इंटरचेंज कर रहे हैं, अगेन इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी ये दोनों फिगर्स आपस में इंटरचेंज ही कर रहे हैं, ये दोनों फिगर आपस में इंटरचेंज ही कर रहे हैं। अगर हम अगले फिगर में देखेंगे तो अगेन ये दोनों फिगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ट्रायंगल ऊपर जाएगा, सर्कल नीचे आएगा। ऐसा किस किस ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस ऑप्शन को अब हम नहीं चेक करेंगे, इन तीनों में से कोई हमारा आंसर होगा। जो बीच में फिगर बना है बच्चों यल का बना है, ए इसका वाटर इमेज हो गया, ए इसका वाटर इमेज, जस्ट वाटर में देखोगे ऐसे फिगर पलट जाएगा। फिर ए इसका मिरर इमेज हो गया, पहले इसका वाटर इमेज था फिर बच्चों इसका मिरर है, क्योंकि मिरर में देखोगे यही फिगर हमारा लेफ्ट और राइट वहां चेंज होता है। हालांकि हम लोग नॉन वर्बल तो पढ़ ही रहे हैं, इनके बाद आपको उन चैप्टरों पर भी हम ले चलेंगे जहां पर उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। तो बच्चों ए इसका फिर से देखिए मिरर बन गया, अब इस मिरर इमेज का फिर से वाटर इमेज बन गया, क्योंकि फिगर अगर ऐसा रहेगा तो इसका टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है। इसका जब वाटर इमेज देखोगे बच्चों
तो ये फिगर हमारा ऐसा बन जाएगा, और इसका मिरर देखोगे तो फिर ऐसे ही बन जाएगा। जब L का मिरर फिगर देखोगे बच्चों तो इसका फिगर कैसे बन जाएगा, यही बन जाएगा। और इसका वाटर देखोगे तो ये फिगर हमारा ऊपर चला जाएगा। यानी ऐसा किस ऑप्शन में है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए आंसर बी ऑप्शन में बहुत सारे बच्चों के आंसर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। आप सभी के आंसर सही हैं, जिनका भी आंसर बी ऑप्शन आया है सभी बच्चों का, हर्ष मेहता, गोलू, दुर्गेश, सभी लोग के सही आंसर हैं, राज साहू, आशीष और ट्रिकी आशु, राज साहू, सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं। लेकिन बच्चों देखो हमें यही क्वेश्चन करना है, फिर से हम देखेंगे यही क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम में, और कम से कम टाइम में करना है। तो हम कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, बहुत कम टाइम में कैसे क्वेश्चन हमारा हो पाएगा। आइए अब देखिए, आपने अभी तो पूरी सीरीज को फॉलो किया कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप जा रहे थे और उस सीरीज को आगे बढ़ा के आपने इसका आंसर बताया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हमें करना है और हम चाहते हैं क्वेश्चन सेकंड में हो जाए, तो हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आइए फिर से इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्यारे बच्चों सीरीज के चैप्टर में जैसे 1 का 5 वाला फिगर अगर सेम हो गया तो 2 वाला फिगर हमारा 6 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि एक सीरीज है तो उसी सीक्वेंस में बढ़ रही है। हो सकता है सीरीज हमारी आगे चल के रिपीट कर रही हो, तो आगे चल के जो अगला नंबर है वो भी रिपीट कर जाएगा बच्चों। तो उसी तरीके का एक पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर हमारे फिगर्स बने हैं वही फिगर्स बार 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 आ रहे हैं। तो हो सकता है यल जो फिगर है यही आगे चल के वही फिगर बन जा रहा हो जो हमारा यहाँ पहला है। तो अब आप देखेंगे एक स्टेज यहाँ पर ऐसा आया कि जो हमारा पहला फिगर था वही फिगर जाके बच्चों पांचवें ऑप्शन में भी बन गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहले और पांचवें फिगर में क्या आपको कोई अंतर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। शांतनु, शांतनु बिल्कुल मैं आपका नाम लूंगा बच्चों, जैसे ही मुझे नाम दिखता है हम सभी बच्चों के नाम लेते हैं, संजय पटेल, शांतनु, दुर्गेश, संजय, थैंक यू बच्चों, दुर्गेश, ओके। अब देखो बच्चों पहला फिगर ही आपका पांचवा फिगर है, क्या पहले फिगर और पांचवे फिगर में आपको कोई अंतर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यानी ये जो सीरीज है हमारा पहले के बाद जाके रिपीट कर रही है पांचवे पोजीशन पे, सेकंड वाला जो बच्चों है ये जाके छठवें नंबर पे फिर से आ जाएगा, ये सीरीज हमारी आगे चल कर रिपीट कर रही है। तो जो सेकंड फिगर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बस आपको देखना है सेकंड वाला फिगर किस ऑप्शन में है। जैसे आप सेकंड फिगर को देखोगे तो आपको बी ऑप्शन में दिखेगा, सेम फिगर आपका आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट वाला फोर्थ पर आ रहा है तो सेकंड वाला फिफ्थ पर बनेगा सर। आशुतोष बिल्कुल राइट, फर्स्ट वाला बच्चा हमारा फिफ्थ वाले पे आ रहा है तो सेकंड वाला हमारा सिक्स्थ पे चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। भैया रवि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संजय पटेल, यश, ओके। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है। 45 घूम रहा है सर, यस यस यस। हर्ष मेहता क्लॉक वाइज डायरेक्शन है, ओके ओके। राज साहू थैंक यू, सेम सेम यार बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप सभी के लिए है, आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि अब सीरीज का जो पैटर्न होगा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया सीरीज हमारी कैसी चलनी है। तो इस सीरीज में अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, सभी लोग फटाफट बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमें देखना है पहला आंसर किस बच्चे का आता है। तो चलिए बच्चों फटाफट आंसर करिए, ओके 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 ओके। हर्ष मेहता ठीक है, सिद्धार्थ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर शांतनु ने सबसे पहला आंसर दिया है डी ऑप्शन, देन दुर्गेश का आया है डी ऑप्शन, आशुतोष का आया है 23 का डी, मतलब अगला क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, ओके ओके। विकास का भी आ गया, आशुतोष सिंह का आ गया, दुर्गेश, विकास, राजमोहन सिंह, मुकेश, आशुतोष, ओके ओके बच्चों बहुत अच्छी बात है। मुकेश, सभी के बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लाला स्टडीज़, आशीष ठाकुर, वेरी गुड बच्चों, राज मोहन, बहुत अच्छी बात है। देखो सभी लोग के लगभग लगभग यहाँ पर आ रहे हैं, महावीर गुज्जर, ओके बच्चों, सरला और रवि का भी आंसर आया, शिवानी, शिवराज का भी आया है,
ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग के आंसर आ रहे हैं फटाफट। आइए देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो क्वाड्रेंट हमारा ब्लैक किया गया है, सेकंड फिगर में हम जैसे जाते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट है बच्चों उसको ब्लैक किया गया है, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को, फिर फिफ्थ वाले को ब्लैक किया जाएगा। यानी जिस भी ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में इस ब्लॉक को ब्लैक किया गया होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जिसमें भी एक कलर्ड होगा बच्चों ब्लैक कलर का, बाकी हमारे सारे के सारे ब्लैंक होंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन बेहद आसान था एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। यस यस बच्चों, हम कह भी सकते हैं कि क्लॉक वाइज तरीके से मूव कर रहा है, हर एक क्वाड्रेंट हमारा बढ़ता जा रहा है। तो सेम वे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है। और वैसे भी कह सकते हैं बच्चों, एक तरीका और भी लगा सकते हैं कि सर अगर हम पहले का अगर हम फोर्थ से कंपैरिजन करें तो यहां पर दो को छोड़ के तीसरे किया गया, इसकी बात करें तो दो को छोड़ के तीसरे को किया जाएगा ब्लैक, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ए भी पैटर्न बच्चों कहीं ना कहीं हमारा वर्क करता है लगभग क्वेश्चनों पे। तो इस तरीके से भी आप इनका आंसर कर सकते थे। प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने। बिपिन गिरी, फर्स्टली बच्चों आप सभी लोग जो है लर्निंग बाई अमीर हमजा, बिपिन ठाकुर, पंकज यादव, राजमोहन, सभी लोग बच्चों आप जो है एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर जाके खुद को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद जो है आप हमारी प्रैक्टिस क्लासेस वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हम आपको कॉन्सेप्ट्स तो यहाँ पर करा ही रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस क्लास में हमारे जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बच्चों बहुत ज़्यादा हैं, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। अगर उन सारे क्वेश्चनों का आप अभ्यास कर लेंगे तो शत प्रतिशत डन है आप अपने आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। ओके बच्चों, फटाफट सभी लोग आ जाएं और वीडियोज को शेयर भी करते रहें, फाइनली अपने आंसर दें। यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर देख पा रहे हैं, लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं, दुर्गेश सिंह के, विकास के, हर्ष मेहता के, विकास के, ओके बच्चों आशुतोष के, सिद्धार्थ यादव का, ओके पंकज यादव का, मुकेश का, ओके बच्चों सिद्धार्थ, मुकेश, आशुतोष, शिवराज, पंकज, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आकांक्षा, फिगर सीरीज चैप्टर है, यस यस फिगरल सीरीज है आकांक्षा, इस चैप्टर का नाम है फिगरल सीरीज। हमने आज नॉन वर्बल का पहला चैप्टर सेलेक्ट किया है जो हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद बच्चों हम लोग नॉन वर्बल में बढ़ते जाएंगे। और पहली क्लास थी इसलिए बच्चों आज हमारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर बड़े बेसिक ही रखे हैं कि चलो ठीक है पहली क्लास है आज बच्चों के सामने लाते हैं। फिर बाय द वे अब जब हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे, क्योंकि ये हमारा फिगरल सीरीज है तो फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें भी डिफिकल्टी का लेवल होता है बच्चों, तो हम आपको हर तरह की क्वेश्चंस ला के देने वाले हैं। इनफैक्ट आज की भी क्लास में आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ओके ओके रितेश, थैंक यू वेरी मच बच्चा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने था अभी जस्ट, इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर जो ब्लैंक हमारा है एक है ब्लैक किया गया, एक दो और तीन, तीन लीफ ऐसे हैं बच्चों जिसे ब्लैक किया गया है। सेम वे में देखेंगे अगले फिगर में तो यहाँ चार चीज़ें हैं, एक दो तीन और चार पत्तियाँ हैं ऐसी जिन्हें ब्लैक किया गया है। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बच्चों एक दो तीन चार और पाँच है, यानी इनका सिक्वेंस बढ़ता जा रहा है, बिकॉज सीरीज़ है। तो सीरीज़ में क्या हुआ, तीन मिला, दिन चार मिला, दिन पाँच मिला, आगे चल के बच्चों छः मिलेगा। तो एक दो तीन चार पाँच और छः, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर लगभग बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। ओके विकास, पंकज, सर मेरा यक्ष वाई दोनों में हो गया है तो ओके ओके बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर यक्ष वाई आपने दोनों दिया है तो आप दोनों पेपर्स को दे सकते हैं। कुछ हार्ड क्वेश्चन गुरुजी से और दुर्गेश, आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे धीरे धीरे बच्चों। जैसा कि आज फर्स्ट क्लास थी तो हमने क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं रखा, पहली क्लास है तो क्वेश्चन उसी हिसाब से रखा है। और एक बात ये भी तो है बच्चों, कहीं ना कहीं आप किस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम्स के पैटर्न को देख के आपके पेपर को डिज़ाइन किया जाता है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिले जैसा आपके एग्ज़ाम में।
आता है। अब वहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है बच्चों, वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हमने देखा है आपके एग्ज़ाम्स में बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप वही इजी क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन बच्चों वो चीज़ें क्या होती हैं कि वहाँ कम टाइम में उतने क्वेश्चनों को कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा बहुत सारे बच्चे हैं क्वेश्चन तो ईजी आते हैं लेकिन चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। ओके ठीक है विकास, ओके समझ में नहीं आ रहा है विकास को। विकास मतलब अगर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं बच्चा तो फिर क्या उम्मीद किया जाए। ठीक है अर्थमेटिक भी चलेगा आपका जो है बच्चों, बुधवार और बृहस्पतिवार की क्लास में आपका अर्थमेटिक की क्लासेस चलेंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को क्लियर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है तेजस बैच में रीजनिंग हम ला रहे हैं यानी रवि सर, और आप सभी के लिए बच्चों यहाँ पर YouTube पे जो हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं, YouTube पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बच्चों यहाँ पर वो डेली चल रही हैं सुबह 8:30 से, और दोपहर में हम आपको ला रहे हैं इनका प्रैक्टिस बैच जहाँ पर हम आपको अलॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसी चैप्टर से जो चैप्टर हम आपका यहाँ पर YouTube पे लाए हैं। सर वाई ग्रुप में ऐसे ही लेवल के आते हैं, यस हर्ष मेहता यही मेन चीज़ है बच्चों। लोग बच्चे क्या चाहते हैं कि हमें बहुत हार्ड क्वेश्चन मिले, श्योर क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बड़ा ही ईजी है, बड़ा ही बेसिक है, तो आपके एग्ज़ाम के लेवल में ही हमें रहना है। टाइम आपको बहुत कम मिलता है बच्चों, 25 मिनट्स का आपका रागा होता है। ओके बच्चों ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते हैं, आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे बच्चों 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसमें कुछ हार्ड भी आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन बाकी इजी। तो हम आप सभी को ला रहे हैं YouTube पे डेली 8:30 पे क्लासेस, इनका अभ्यास करने के लिए बच्चों 12:15 पे आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं MKC का लर्निंग ऐप। कोई भी डाउट है आपको तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अगला प्रश्न जो आप सभी के सामने है, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर फिगरल सीरीज का रखा हुआ है। विकास कुमार मेरा नाम है, ओके विकास, विलास कुमार, दुर्गेश नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दुर्गेश अगले प्रश्न का आपको जवाब देना है क्या होगा। सिलेबस हो जाएगा सर एग्ज़ाम के पहले A to Z, आपका जो नाम रखा है आपने अपने का A to Z नाम रखा है, और मैं आपसे वादा करता हूँ आपका A to Z सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के पहले पहले, आपका जो सिलेबस है बच्चा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस ज़रूरत है तो आपको डेली आने की, आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उन पर आप फोकस करें और उसी लेवल को टच करें, उस लेवल में रह के अपनी तैयारी करें, 101% क्लियर हो जाएगा। लेवल बड़ा इजी होता है, आपके क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आते हैं, इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। यहाँ पर लोगों के आंसर आना शुरू हो गया है, दुर्गेश सिंह राजपूत का सी ऑप्शन है और विकास का सी ऑप्शन है, ओके ओके शांतनु का सी ऑप्शन है, आशुतोष के भी आंसर आ गए हैं, लगभग बच्चों के यहाँ पर फटाफट आंसर आ रहे हैं। ठीक है बहुत अच्छी बात है बच्चों। ओके हर्ष सभी के आंसर आ रहे हैं, लगभग जितने बच्चे हैं सब लोग के आंसर आ गए हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स रखे गए हैं 4 और यहाँ पर 4 हैं, 4, 3, 7, 3, 10 हैं टोटल जो पॉइंट्स बने हुए हैं हमारे पास, यहाँ पर 10 बने हैं। नेक्स्ट में जब चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 4, 4 और 8 है, यानी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर बच्चों 8 है, अगले की बात करेंगे 4, 2, 6 हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों 4 हैं। एक सीरीज बन जा रही है, एक सीरीज बन जा रही है 10 की 8 की 6 की और 4 की, 10 की 8 की 6 की और 4 की। अगर हम क्रॉस की बात करें बच्चों यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो नेक्स्ट में क्या होगा 5 होगा। अगर हम पॉइंट की बात करें तो 10, 8, 6, 4 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अगर हम बच्चों क्रॉस की बात करें 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा, यानी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और 5 में क्रॉस का सैम्बल हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, यहाँ पर 5 क्रॉस है लेकिन पॉइंट्स बच्चों 3 हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर 4 क्रॉस में है 2 पॉइंट्स है गलत हो जाएगा, 5 क्रॉस में और 2 पॉइंट्स में बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। सो फाइनली आंसर विल बी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके 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 ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखना है, आपको टाइम भी दे रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को देखें और बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब करेंगे जितने भी लोग हैं, सिद्धार्थ, आशीष, हर्ष। ओके बच्चों, आशीष ठाकुर, ओके बच्चों, सभी लोग बताएंगे जो अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने अभी नेवी की भी वैकेंसी आ चुकी है, अपनी तैयारियों में प्रॉपर तरीके से लगे रहें, अभ्यास करते रहें, 101% डन है आप, जो भी वैकेंसीज अपकमिंग हैं कहीं ना कहीं आप अपना सिलेक्शन ज़रूर तय कर पाएंगे। ज़रूरत है तो आपको एक बार अच्छे से लगने की, अगर आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लेंगे फिर आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, लेकिन एक बार आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा, जो भी आपके सिलेबस हैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो चाहे आपका अर्थमेटिक हो या रीजनिंग हो या जीएस हो या इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से एक बार स्टडी कर लेते हैं तो बच्चों उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें हर एक एग्ज़ाम आपका क्लियर होने लगेगा। इनफैक्ट आपको सोचना पड़ेगा हम अपना किस में ज्वाइनिंग ले, आपके जब दो तीन ऑप्शंस आ जाएंगे तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी तैयारी हो जाएगी बच्चों तो किसी भी एग्ज़ाम बैठेंगे हर एक एग्ज़ाम आपका क्रैक होगा। सो फाइनली आप सभी के सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है, बी ऑप्शंस लगभग बच्चों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, सिद्धार्थ का, आशुतोष का, विकास का, हर्ष का, शर्ला का, ओके आशुतोष कुमार सिंह का, अनुपम अग्रहरी का, विपिन ठाकुर का, सभी बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। ओके बच्चों, तो बी ऑप्शन लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए आइए क्या क्वेश्चन का पैटर्न चला है, आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो चेंजेस किया गया बच्चों इस फिगर में किया गया, इस फिगर में क्या किया, जो हमारा बड़े बाहर वाली लाइन थी बड़ी वाली उसको जस्ट आप इस साइड में ला दिए और अंदर वाली लाइन को ऐसे ही रहने दिए छोटी वाली को, बीच में जो पॉइंट है बच्चा ऐसा आपका जो पॉइंट बना हुआ था उस पॉइंट को आपने क्या कर दिया यहाँ पर अगले फिगर में रिमूव कर दिया। फाइनली ये आपका जो फिगर है कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन गया, ये जो फिगर है आपका यहाँ पर इस तरीके से बन गया। वहीं पर जब आप दूसरे फिगर में आएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, फिर दूसरे फिगर को जब आप फोकस करेंगे बच्चों तो दूसरा फिगर जाके तीसरे फिगर में इसी तरीके से बन जाता है, यानी पहले हमारा ए वाला फिगर चेंज हुआ, फिर दूसरा फिगर चेंज हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों, फिर तीसरे फिगर को हम चेंज करेंगे और इस फिगर को हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे ए दोनों फिगर हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। जब इस फिगर को आप चेंज करोगे तो आपका ए फिगर भी क्या हो जाएगा बच्चों, इसी तरीके से हो जाएगा, यानी जिस भी ऑप्शन में ऐसा होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तुरंत आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। चौथे ऑप्शन की बात करोगे तो नीचे जो फिगर बना है बिल्कुल गलत बना है, यानी आपके पास दो ऑप्शन बचा, यहाँ पर आपको पता है एक फिगर चेंज हुआ, दो फिगर चेंज हुआ, तो तीसरा चेंज होगा, चारों नहीं होंगे, ए भी कैंसिल हो गया बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दुर्गेश, थैंक यू वेरी मच, एंड राजमोहन, सभी बच्चों के सही आंसर आए, दैट्स गुड बच्चों, आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, सभी लोग के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। लेकिन कल का जो सेशन होगा बच्चों हमारा इसमें रीजनिंग का, वहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से हम आपको और भी अच्छे लाएंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस रखेंगे, क्योंकि नॉन वर्बल है तो रीजनिंग में नॉन वर्बल में क्या होता है कि क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी का लेवल है होता है, लेकिन आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अगर क्वेश्चन लाते हैं तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन कल से लेवल हम आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ओके ओके शांतनु भाई, शांतनु आपका आंसर बिल्कुल, आपका नाम लिया जा रहा है बच्चों, देखो नाराज नहीं होना, मेनली क्या है ना कि अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं दैट्स गुड, सबसे मेन मैटर ये होना चाहिए कि आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, और अगर आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है, आपका आंसर सही आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है बच्चों, अगर आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं फिर कोई समस्या ही नहीं है, हम आपका नाम नहीं भी देख पाए तब भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ओके विकास, कोई विलास कोई मैटर नहीं करता कि आपका मैथ है कि नहीं ट्वेल्थ में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी बच्चों, हम लोग मैथ की क्लास जो है लाएंगे आपके यहाँ पर, अर्थमेटिक की क्लासेस जो वाई ग्रुप के लिए हैं, आपके वाई ग्रुप में रह के तैयारी करेंगे और ये डन है बच्चों, अपने एग्जाम में पूरे क्वेश्चन फंसाओगे अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, इस चीज़ का दावा करते हैं बच्चों, बस आपको डेली आने की ज़रूरत है, ठीक है, डेली आने की ज़रूरत है और आप देख पाएंगे कि चीज़ें डे बाई डे बेहतर होती चली
चले जाएंगे। चलिए आप सभी के सामने यहाँ पर अगला प्रश्न है जिसका आंसर करना है, और यहाँ पर सभी के आंसर आना शुरू हो गए हैं, विकास के, आशुतोष के, ठीक है बच्चों, और जितने भी लोग हैं, दुर्गेश के, आशीष के, राज साहू के, आशुतोष, राज बेचारे परेशान है कि बच्चों लाइक करो लाइक करो। बात तो सही है, जो आपकी संख्या है उतने लाइक भी नहीं आए बच्चों, तो आप सभी को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। दुर्गेश श्योर, श्योर आपको नॉन वर्बल में क्या है, ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो यहाँ आपको हर टाइप के क्वेश्चंस हम आपको लाते रहेंगे। जैसे आपने सीरीज में देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी ये क्वेश्चंस हमारे नंबर के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ भी आपके सामने एक क्वेश्चंस है, सभी लोग के यहाँ आंसर डी ऑप्शन आ गए हैं। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या होगा। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो नंबर लिखे गए हैं बच्चों, यहाँ पर नंबर है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर लिखा रहे, ज़्यादा फिगर रहे, तो वहाँ पर किसी एक नंबर या किसी एक फिगर को आप पकड़िए। जैसे हमने वन को पकड़ लिया, अब हम ये देखेंगे अगले फिगर में वन कहाँ जा रहा है। तो हमने देखा वन अपना अपने डायगोनली बच्चों यहाँ पर आ गया, और इसके डायगोनल पे जो नंबर था यहाँ पर, वो नंबर कहाँ चला गया, इसके स्थान पे चला गया। इट मीन्स वन और फाइव आपस में इंटरचेंज कर लिए। इट मीन्स बच्चों वन और फाइव आपस में क्या कर लिए, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लिए। वैसे अगर हम थ्री और सिक्स की बात करेंगे तो थ्री और सिक्स भी आपस में इंटरचेंज कर ले रहे हैं, और फोर और सेवन बच्चों अपने सेम पैटर्न पे बने हुए हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे यही चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों फोर और सिक्स आपस में इंटरचेंज करके सिक्स और फोर बन जा रहे हैं। सेवन और फाइव की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों फाइव और सेवन बन जा रहे हैं, थ्री वन अपने ही प्लेस पे हैं। सेम वे में बात करेंगे बच्चों, थ्री और फाइव हैं आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फाइव और थ्री बन जाएंगे, सिक्स और वन इंटरचेंज करेंगे तो बच्चों सिक्स और वन बन जाएंगे। बातें क्लियर हैं, सेवन फोर में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो सेवन फोर ऐसे ही रहेगा। 571, 641 बच्चों किस ऑप्शन में है, 571, 643 यहाँ पर लिखा है, 573 बच्चों, 573 का पैटर्न यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में इस पैटर्न को यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपको कुछ और भी सीक्वेंस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। बैच चल रही है वाई ग्रुप की, यस यस आपकी वाई ग्रुप की ही बैच है गोलू, ठीक है। ओके बच्चों यहाँ पर देखो ये पैटर्न जो हमने आपको बताया, ए पैंट इन पैटर्न जो है बच्चा इंटरचेंज का यही लगता है, लेकिन हमें लग रहा है पाँचवा ऑप्शन या चार ही ऑप्शन आपको दिए गए, ए ऑप्शन यहाँ आपको बाई मिसप्रिंट यहाँ पर रखा नहीं गया, या हम कुछ और भी इसमें पैटर्न अगर लगाते हैं तो और क्या पैटर्न यहाँ पर चल सकता है। यहाँ पर यही इंटरचेंजिंग का ही पैटर्न चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो यहाँ ऑप्शन आया था बच्चों वही इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें दी नहीं गई हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई और पैटर्न अगर आप देखते हैं, छः को यहाँ पर लाते हैं, यही चीज़ें चल रही हैं, सिक्स को यहाँ पर ले गए, फिर दिन वहाँ ले गए, दिन यहाँ पर ले गए। बच्चों अगर आप सिक्स के वही पैटर्न लगेगा, किसी भी तरीके से जाओगे, सिक्स को इंटरचेंज करके यहाँ ला रहे हो, यहाँ से आप यहाँ लाए, फिर आप बच्चों यहाँ से इधर ले गए, इधर से इधर, और फिर इसे लाएंगे तो इधर ही लाएंगे इसी पैटर्न पे, तो फाइनली यहाँ ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं आ रहा है। फाइनली इसका यही आंसर है, ए नंबर्स आपस में इंटरचेंज ही कर रहे हैं। वन और फाइव को आप देख रहे हैं तो फाइव वन हो जा रहे हैं बच्चों, सिक्स और थ्री की बात करेंगे तो सिक्स और थ्री आपस में इंटरचेंज कर लिए, फोर सेवन सेम प्लेस पे हैं। सिमिलरली सिक्स और फोर की बात करेंगे, सिक्स और फोर हो गए, फाइव और सेवन की बात करेंगे बच्चों आपस में इंटरचेंज करके सेवन और फाइव हो गए, थ्री वन हमारे वैसे ही है। सेम वे में थ्री और फाइव आपस में इंटरचेंज करेंगे बच्चों, फाइव और थ्री हो जाएंगे, यहाँ पर सिक्स और वन इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ सिक्स आ जाएगा, वहाँ यहाँ वन, और सेवन और फोर हो जाएगा, वही पैटर्न 571 है, तो बच्चों डी ऑप्शन। अच्छा हम ही ने शायद गलती कर दी थी लिखने में, यस 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 वही पैटर्न लग रहा है, बस हमने शायद गलती कर दी थी लिखने में, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर बच्चों हमने थ्री लिख दिया था जो कि हमने गलत लिख दिया था, फाइव और थ्री आपस में इंटरचेंज करेंगे इसी तरीके से होगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है, यस यस इंटरचेंज ही हो रहा था बच्चा, शायद ध्यान नहीं गया उस पर, एक नंबर हमने वहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलत लिख दिया था। ओके क्लियर है, ठीक। चलो बच्चों,
तो कुछ अपडेट भी हैं आपके लिए बच्चों। अभी जैसे हमारी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, हमारी क्लास के जस्ट बाद जो है आपका आजाद सर लाएंगे आपके लिए इंग्लिश, जो कि बहुत ही बेजोड़ क्लास होने वाली है। तो आप सभी को कहीं नहीं जाना है, आजाद सर की भी क्लास आप सभी को ज्वाइन करना है। जस्ट इसके बाद लाइव सेशन होगा आजाद सर का, और आजाद सर की क्लास के बाद आपके लिए बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होगा जिसमें सौरभ सर लाइव होंगे, आपको पूरा वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताएंगे, नेवी SSR की वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को कहीं नहीं जाना है, पूरे इस सेशन में बने रहना है, इसके बाद भी बने रहना है, क्योंकि बच्चों उसके बाद आपको सौरभ सर पूरी वैकेंसी के डिटेल्स बताएंगे, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करनी है, सारी बातें सर आपको ला के यहाँ पर अपडेट देंगे आज की ही इसी लाइव सेशन में जस्ट क्लासेस के बाद। बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सभी को बताना है। शांतनु बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चा, बार बार मैं आपके नाम लेता हूँ, ठीक है। और विकास सर ये फर्स्ट क्लास है बच्चा, आज ये फर्स्ट क्लास है और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको आना है, ठीक है, डेली आपको आना है। क्वेश्चंस के लेबल पैटर्न सारी चीज़ें बदलती रहेंगी। आज आपका पहला क्लास था तो हमने फर्स्ट क्लास में कुछ इजी क्वेश्चंस रखे सो दैट हर तरह के बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देंगे, लेकिन बच्चों पूरा फोकस हमारे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर होगा। हम आपके एग्ज़ाम में के पैटर्न में ही रह के आपकी तैयारी कराएंगे। हो सकता है कुछ लोग को लगे बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान हैं, बड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन बच्चों जो आपके एग्जाम्स का पैटर्न है उसको तो नहीं छोड़ सकता हूं ना। आप अगर वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लेवल में ही रह के आपसे बातें करेंगे, उस लेवल से हम नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि हमें आपका एग्जाम निकालना है, आपका एग्जाम निकलवाना है। ये नहीं दिखाना है कि हम इतने बड़े क्वेश्चंस करा रहे हैं, इतने डिफिकल्ट, आपके लेवल में ही रहना है बच्चों। आपका लेवल बहुत जरूरी है अगर आपको अपना एग्जाम निकालना है। तो फाइनली आपके सामने अगला प्रश्न है जिसका आंसर आना शुरू हो गया, यहाँ पर लगभग बच्चों के आंसर आ रहे हैं, विकास के ओके वी ऑप्शन, हर्ष के बी ऑप्शन, सिद्धार्थ के बी ऑप्शन, ओके सभी बच्चों के सही आंसर हर्ष मेहता, ओके 30 क्वेश्चन का मिक्सिंग क्वेश्चंस, श्योर श्योर श्योर, बहुत जल्दी ही दुर्गेश हम कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे आपके लिए। बच्चों हमारे 8 चैप्टर्स हैं नॉन वर्बल के, आपको पता है नॉन वर्बल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, आसान होता है। कल से हम सोच रहे हैं कि अपनी क्लासेस में दो दो चैप्टर्स को कवर करें, तो मे बी हम 7 से 8 क्लास के अंदर अपना पूरे जो हमारे 7 से 8 चैप्टर हैं सबको कवर कर ले जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम आपको पूरे नॉन वर्बल का एक दो क्लास ऐसा प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस का अभ्यास लाएंगे। उसमें अपने आपको खुद से चेक भी करिएगा कि आप उसमें कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये चीज़ें भी हम आपके लिए करेंगे क्योंकि इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। इनफैक्ट हम इसे अपने ऐप पे कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बच्चों हम आपके लिए पूरे सेशन को कंप्लीट करने के बाद लाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 लाइनें हैं, यहाँ पर बच्चों 3 लाइनें हैं, यहाँ पर 4 लाइनें हैं, अगला जो फिगर बनेगा 5 लाइन वाला बनेगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज सीरीज है तो सीरीज के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलो बच्चों ये आपका लास्ट 1 क्वेश्चन है जो आज का अंतिम प्रश्न है जिसे आप सभी को करना है और बताना है इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। दुर्गेश आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन न लें, आपको मैथ्स और रीजनिंग की दोनों बेहतरीन क्लासेस मिलेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप देख पाएंगे बच्चों दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर जो रोटेशन हुआ अगले फिगर में जस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज हुआ, ए फिगर आपका यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, बच्चों रोटेट कितना हुआ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर यही फिगर हमारा 45 डिग्री आ गया एंटी क्लॉकवाइज, अगेन बच्चों ये रोटेट किया गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक बार 90 एक बार 45 डिग्री, अगेन इसे हम जब रोटेट करेंगे तो ये 45 जाएगा बच्चों और यहाँ आ जाएगा, हम अगेन 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये फिगर हमारा यहाँ बन जाएगा, यानी इस फिगर का जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से हमारा ये फिगर बन जाएगा, ऐसा फिगर बन जाएगा, और इस फिगर को हम इस तरीके से जैसे यहाँ पर बना है बच्चों ऐसे ही बनाएंगे। इट मींस 90 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री का रोटेशन चल रहा है। आप इस ब्लैक को देखोगे, जो ब्लैक किया गया बच्चों यहाँ राइट साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में किया गया है, फिर आपका बच्चों ये राइट साइड में किया गया है क्लॉकवाइज, फिर आपका लेफ्ट साइड में किया गया है, ये आपका बच्चों राइट साइड में, अगेन आपको लेफ्ट साइड में करना है तो आप ब्लैक इस साइड में करेंगे, किस ऑप्शन में इधर है, सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोग के आंसर आ रहे हैं, थैंक यू दुर्गेश। देखो बच्चों आप लोग का जो भी आदेश है, जो भी बातें हैं, वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी सारी बातें
हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि बच्चों हमने कहा, तेजस बैच में हम आपके लिए रीजनिंग ला रहे हैं, 8:30 पे डेली आपकी यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हैं और हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं 12:15 पे अपने एप्लीकेशंस पे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, बिंदास बच्चों जो है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस दिए गए नंबर पर, हम आपके सारे डाउट सारे क्वेरी को एक्सेप्ट करेंगे। बच्चों जो भी बातें हैं, आप जितनी भी चीज़ें चाहते हैं, आप बस रेगुलर बने रहें। ये आपका जो क्राउड है बच्चों, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। जितनी संख्या आपकी ज़्यादा होगी उतना ही हम सभी को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चलो बच्चों आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर दोबारा मिलेंगे। लेकिन अभी अगली क्लास आजाद सर की जो आपके ला रहे हैं इंग्लिश, उसमें भी आप सभी को कहीं नहीं जाना है, लगातार बने रहना है। और उसके बाद सौरभ सर आपके लिए अपडेट लाएंगे नेवी एसएस सर वैकेंसी के लिए, तो आप सभी को लगातार बने रहना है, बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं है। आजाद सर आ रहे हैं अपनी इंग्लिश की बहुत ही ज़बरदस्त ढांसू क्लास लेके, तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर बने रहना है। जय हिंद बच्चों।